मध्य प्रदेश का नया जिला मऊगंज, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने एक बार फिर स्टैंडिंग विधायक पर ही भरोसा जताया है। वर्तमान विधायक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए फिर से पार्टी को विचार करने का आग्रह किया है। वो कुछ काम नहीं किए, क्षेत्र में आए मूड जो है तो बीजेपी के प्रति बहुत है, लेकिन ये कैंडिडेट के प्रति नहीं, प्रदीप पटेल को नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? यदि प्रदीप पटेल रहेंगे तो हम लोग जो है तो नाराजगी किस विषय को लेकर? वो कोई काम ही नहीं किए, कोई क्षेत्र में ही नहीं आए, उनका कोई काम ही नहीं हुआ। पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो कितना नंबर एक पे थी बीजेपी? बीजेपी इस बार क्या इस पर तो जीरो जाएगी, चरैया नंबर पर जाएगी। इस बार कैंडिडेट नहीं बदला गया तो हम लोग कांग्रेस ही में रहेंगे, तो कांग्रेस का माहौल है। कैंडिडेट हम लोग भाजपा से नाराज नहीं है जी, कैंडिडेट से नाराज, कैंडिडेट से हमसे जो होता है नफरत है, कैंडिडेट सही नहीं है, कैंडिडेट से असंतुष्ट है। प्रदीप पटेल ही चाहिए, कोई दूसरा आ जाए। बीजेपी मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा है सर, लेकिन सर यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे हैं प्रदीप पटेल जी को, ये जब से जीते हैं हमारे बीच में नहीं आए। बाकी केंद्र की जो स्कीम है मोदी जी व्यक्तिगत, बीजेपी की जो स्कीम है उनकी जो विचारधारा है बहुत अच्छी है, लेकिन सर जो प्रदीप पटेल जी को यहाँ पर उतारे हैं उनसे यहाँ की जनता असंतुष्ट है। हम दूसरा कैंडिडेट चाहते हैं, किसी भी जात को, हमें उससे दिक्कत नहीं है, बीजेपी से हो, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन प्रदीप पटेल को सर नहीं चाहते हैं। दूसरा कैंडिडेट हमारा आप वो है कि दूसरा कोई कैंडिडेट आए, हम उसके साथ हैं। क्या किस बात को लेकर असंतोष आप लोग जाहिर कर रहे हैं वर्तमान में? सर यहाँ पर वो हमें, अब यदि हम किसी बात को बोलते हैं, उन्हें बुलाते हैं, वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होते सर। हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो, हमारी बात को सुने समझे, यहाँ पर आके देखे। जब तक कोई फिजिकली नहीं देखता, नहीं आता, तो वो ठीक नहीं सर। मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट बदला जाए, मऊगंज विधानसभा के कैंडिडेट नाम नहीं जाए, जमुई जात को उतार दे, प्रदीप पटेल को मऊगंज विधानसभा में टिकट न दी जाए, चाहे जौने जात को दे दीजिए तब चुनाव जीत जाएंगे। पिछली बार कितना वोट मिला था आपके पंचायत में? कहाँ? भारतीय जनता पार्टी को किस नंबर पर रही? एक नंबर पर रही, एक नंबर चौथे नंबर पर जाएगी, ये रही था। अब हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा साहब बंसोहर पाल है, बंस गोपाल जी। का है बल्कि कर माहौल है बने के? अब हम साहब, हम तो खेती किसानी वाले आदमी यहाँ, लेकिन जो जाने थे ऐसे आदमी कहा था कि मतलब प्रदीप पटेल जी तो कहूँ यहाँ दिखावे नहीं उनका पाँच साल, बल्कि ऐसे अच्छा तो रहे के वो है। प्रदीप पटेल कुछ काम अपने यहाँ नहीं करें? हैं कुछ काम किए हैं आपके यहाँ? कुछ काम पहले जो वो रहे विधायक रहे तो नलब सल खनवा दे रहे, अब तो नहीं कौन, कौन नहीं आए, कोई नहीं, एक कौन नहीं आए। क्या नाम हुआ आपका? विवेक सिंह। क्या उम्र है आपकी? 19 साल। वोटिंग किए हैं 19 साल? पहली बार वोटिंग? पहली बार वोट है। अगर जो बीजेपी से दूसरा कैंडिडेट आएगा तभी हम वोट करेंगे, नहीं तो मैं बीजेपी को वोट ही नहीं करूंगा। प्रदीप पटेल आए तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। प्रदीप पटेल जी से क्या नाराजगी है? कभी हम जिला बनवाए, हमको क्रेडिट मिला है, कभी उनको देखे ही नहीं अपने क्षेत्र में, क्षेत्र में देखे कभी नहीं देखा। क्या असर पड़ेगा आप? अगर वो आए तो नहीं जीतेंगे, कांग्रेस निकालेगी। अगर दूसरा कैंडिडेट क्षेत्रीय नेता देंगे तो वो बिल्कुल जीतेगा। प्रदीप पटेल आएगा तो नहीं जीतेगा। मैं आज तक उनको नहीं, मैं बीजेपी को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन प्रदीप पटेल को बिल्कुल भी नहीं चाहता। आज तक मैं उनको नहीं देगा, पहली बार मैं वोटिंग करूंगा, प्रदीप पटेल आएंगे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, और दूसरे क्षेत्रीय नेता आएगा तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। देखिए हमारे ग्राम पंचायत चरैया में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी एक नंबर में थी, और हम लोग आज 10 साल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। काफी कोशिश करके हम लोग पिछली बार एक नंबर में हमारी सीट आई ग्राम पंचायत चरैया, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी से हमारा ग्राम पंचायत नहीं, हमारा पूरा मऊगंज विधानसभा, जो इस वर्तमान में जो कैंडिडेट का चयन किया है भारतीय जनता पार्टी, उससे सभी असंतुष्ट हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और हम एक परिवार की तरह सब चल रहे हैं, और हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो टिकट निर्धारित की है मऊगंज में, इसका संशोधन किया जाए, और यहाँ का जो क्षेत्रीय कैंडिडेट हो उसका चयन किया जाए, और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट संशोधन नहीं करेगी तो यहाँ की जो सीट है वो
हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह तब्दील होगी, जनता सभी नाखुश है। वर्तमान प्रत्याशी को आप क्या क्षेत्रीय नहीं मानते हैं? उनको उन्होंने इतना विकास किया है, जिले की सौगात थी जो उनको द्वारा प्रदान की गई पार्टी द्वारा, जिले का क्रेडिट उनको नहीं जाएगा क्या? अगर आप जिला की बात करें तो जिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ही बोला था कि अगर हमारा विधायक आप दिए मऊगंज से तो हम आपका मऊगंज जिला बनाएंगे। पूरी मऊगंज की जनता उनसे संतुष्ट थी, आज भी संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं नाराज है, नाराज सिर्फ कैंडिडेट से है। पांच साल के कार्यकाल में आज भी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, एक दिन या एक किसी भी कार्यक्रम में माननीय प्रदीप पटेल जी कहीं भी नहीं दिखे। हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है हम लोग, हम सिर्फ कैंडिडेट से नाराज हैं। अगर कैंडिडेट का चयन दूसरा संशोधन नहीं किया गया तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे पूरे मऊगंज जनता। किसी के आप लोग मांग करते हैं किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी? नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं, हमारा क्षेत्रीय नेता होना चाहिए जो हमारे दुख सुख में साथ दे और फोन करे तो कम से कम दो घंटा चार घंटा में हमारे पास पहुंच जाए। हमारा हनुमाना में कोई काम हुआ तो पता चला कि हम फोन कर रहे हैं तो माननीय प्रदीप पटेल जी तो भोपाल में बैठे हैं, तो भोपाल में दो घंटे में कैसे आ पाएंगे हमारे पास? तो कम से कम क्षेत्रीय रहेगा तो कम से कम वो नहीं पहुंचेगा तो उसका भाई तो पहुंच जाएगा। हम तभी तो चयन कर रहे हैं उनका। पटेल जी को टिकट मिला है आपको, शायद वही कोई भेजे होंगे, आप यहाँ पर अभी तक नहीं दिखे। आज आप लोग भी पांच साल में बिल्कुल नहीं दिखे है ना, आप लोग भी नहीं, पर आप लोग दिखाएंगे नहीं, आप लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं के हैं। ये कैसे कह रहे हैं उन्हीं के हैं? नहीं, क्योंकि आप लोग उन्हीं के, हो सकता है उन्होंने भेजा होगा कि जाके सर्वे करो क्या हिसाब किताब है, ठीक है, पर ये चीज नहीं, ये गलत बात है। हम किसी के कहने पर नहीं तो सर्वे कर रहे हैं। आप पांच साल सर्वे किए हैं, सुनो, पांच साल आप सर्वे किए, क्या किए? और जो पांच साल का सर्वे का रिपोर्ट गया, पांच साल का जो सर्वे का रिपोर्ट गया, एक मिनट रुको, पांच साल का जो सर्वे का रिपोर्ट गया तो क्या गया? प्रदीप पटेल का सर्वे गया है क्या? आप लोग ही सर्वे किए, आप लोगों के माध्यम से सर्वे का रिपोर्ट गया ना। हम तो ये मांग करते हैं कि जो पांच साल का रिपोर्ट है, जो सर्वे हुआ है, आप उसकी ओरिजिनलिटी मेमोरी दिखा दें। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदीप पटेल को जो टिकट दी है अगर वो आया तो आप जो बोलेंगे वो सर थार जाएंगे। कोई भी जनता बिल्कुल नाखुश है, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट वर्तमान में है प्रदीप पटेल, उनसे सभी नाखुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।